भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है क्योंकि उसके ऊपर सर पर सन 2024 का लोकसभा का चुनाव का डर सता रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के सीएम माननीय धामी जी इतने डरे हुए हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि ये चुनाव हम 2024 के बाद कराएं। डरने का तो विषय नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी हमारे देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारा संगठन बूथ लेवल तक और पन्ना प्रमुख तक की हमारा संगठन है। भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है। और कांग्रेस का तो काम झूठ बोलना, कांग्रेस का काम लोगों को बहकाना, कांग्रेस राष्ट्र विरोधी ताकतों से जुड़ी रहती है और राष्ट्र के हित की कभी बात नहीं करती। बीजेपी पार्टी में कहूंगी बौखला गई है और बौखला के वो उल्टे सीधे काम करने में लगे हुए हैं। असली मुद्दे उससे वो भटके हुए हैं और केवल विपक्षी पार्टियां क्या कर रही हैं, उनके मुद्दों को पकड़ कर बात की जाती है या फिर ईडी या सीबीआई के छापे डलवा दिए जाते हैं। चुनाव तो क्या लड़ेंगे, उनको लड़ने ही नहीं देंगे। कांग्रेस के लोग भ्रम फैलाने की स्थिति रखते हैं। रागीलाल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ दिलप्रीत सेठी। आप आज देख रहे होंगे कि मैं आज खड़ा हूँ काशीपुर नगर निगम के ठीक सामने। जी हाँ, उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये बात है कि आखिर निकाय चुनाव होगा कब। चुनाव का जो समय है, जो अनुमानित समय है, वो लगभग नवंबर माह में है, परंतु ये एक चर्चा एक आम विपक्ष पार्टी द्वारा उठाई जा रही है कि ये चुनाव जो है दिसंबर माह के बाद होंगे, 2024 में होंगे, कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है सरकार में। सूत्रों की माने तो कुछ पार्टी के अंदर बैठे हुए व्यक्ति भी इस बात को हवा दे रहे हैं, परंतु यहाँ जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं और सरकार का ये कहना है कि जो निकाय चुनाव हैं, जो मेयर चुनाव हैं, वो सही समय पे होंगे। जो अनुमानित समय है वो नवंबर माह है, परंतु देखने का विषय यहाँ पे ये होगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कब इसको चुनाव को कराता है, कोई टेक्निकल दिक्कत है या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। और इसमें भाजपा और कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं, समय समय पे हम आपको वो पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखिए, चुनाव तो बिल्कुल सिर पर है, अक्टूबर के महीने में लगभग नॉमिनेशन हो जाना चाहिए क्योंकि पिछली बार नवंबर में चुनाव हो चुके थे और वो भी पिछली बार भी 2018 में जब चुनाव हुए थे तो वो मार्च में ड्यू थे। मार्च में क्या, जनवरी फरवरी मार्च करते करते उनको नवंबर में पहुंचा दिया है, तो एक साल उनको पहले ही लेट कर दिया। लेकिन आज जून अब ख़त्म होने वाला है, ना तो किसी भी मेयर चुनाव का जो डिलिमिटेशन फिक्स हुआ है उसके बारे में क्लैरिटी नहीं हुई है, क्या यही रहेगा या डिलिमिटेशन या उसमें कोई बदलाव आएगा। दूसरी बात, जो रिजर्वेशन है वो भी फिक्स नहीं किया गया है, क्या यहाँ पे ओबीसी ही रहेगा या साधारण होगा, किस तरह का, क्योंकि उसी तरह से कैंडिडेट भी अपना मन बनाते हैं और पार्टियाँ भी अपना मन बनाती हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार बैठी हुई है, लेकिन बीजेपी की तरफ बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। तो क्या लगता है आपको आगामी चुनावों को देखते हुए, मतलब कि जल्द होने जा रहे हैं या फिर अभी कोई और आशंका है? देखिए, सन्नाटे को देखकर तो मैं ये कह सकती हूँ कि केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तक बीजेपी सरकार में सन्नाटा इसलिए छाया हुआ है क्योंकि जब से हमारे पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक जो की है, उसमें जो जनता का एक जनता उमड़ कर उनका सहयोग जनता ने किया है, उससे सरकार या बीजेपी पार्टी में कहूँगी बौखला गई है और बौखला के वो उल्टे सीधे काम करने में लगे हुए हैं और जो असली मुद्दे हैं उससे वो भटके हुए हैं और केवल विपक्षी पार्टियां क्या कर रही हैं, उनके मुद्दों को पकड़ कर बात की जाती है या फिर ईडी या सीबीआई के छापे डलवा दिए जाते हैं, जैसे कि ऑलरेडी अभी भी इधर उधर से जो खबरें आ रही हैं वो इसी तरह की कि चुनाव तो क्या लड़ेंगे, उनको लड़ने ही नहीं देंगे। एक अंधभक्ति, बिल्कुल ही टोटल अंधभक्ति जैसे चल रही है सरकार की तरफ, पार्टी की तरफ से। ऐसा केवल धर्म का मुद्दा, केवल हिंदू मुसलमान का मुद्दा, केवल पाकिस्तान और भारत का मुद्दा, यहाँ तक कि चैनल पे भी देखेंगे तो पाकिस्तान को दिखाएंगे, जबकि इंडिया में उस दिन बहुत सारी ऐसे मुद्दे सामने होंगे जिनको कि दिखा देना चाहिए जनता के सामने, जो असली मुद्दे आने चाहिए वो नहीं आ पाते।
और जिस तरह से केंद्र पार्टी की तरफ से सन्नाटा पड़ा हुआ है, चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, उससे किसी भी रीज़न से, हालांकि कोई कारण नहीं बनता है चुनाव ना होने का, लेकिन क्योंकि बीजेपी पार्टी जो है ये सरप्राइजेज की पार्टी मानी जाती है, किस तरह का सरप्राइज ये देना चाहते हैं? लोकसभा के बाद करेंगे या अभी अचानक से घोषित कर देंगे, पहले सन्नाटा डालेंगे, क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल समझ से बाहर है। आज के दिन तो ऐसा लगता है कि इनका कोई इरादा लगता नहीं है चुनाव कराने का, ऐसा क्यों है मैं नहीं कह सकती। देखिए, कयास लगाना उन लोगों का काम है जो इन चुनावों को देख कर डर रहे हैं। नगर निगम के चुनाव जिस तरह से टाइम पर होने चाहिए, उसी टाइम पर यहाँ की जनता भी चाहती है और हर पार्टी चाहती है कि चुनाव समय से हो ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, क्योंकि उसके ऊपर सर पर सन 2024 का लोकसभा का चुनाव का डर सता रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के सीएम माननीय धामी जी इतने डरे हुए हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि ये चुनाव हम 2024 के बाद कराएं, क्योंकि उन्होंने देख लिया कांग्रेस पार्टी इस समय कितनी मजबूती के साथ उभर रही है। कर्नाटक का चुनाव उन्होंने देखा, चुनाव उन्होंने और दूसरी जगहों का भी देखा जहाँ कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाए बैठी है, और आने वाले जो स्टेटों के चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान के हैं, मणिपुर के हैं और दूसरी जगहों का जहां चुनाव होने हैं, वहां की पूरी सर्वे रिपोर्ट ये बताती है कि कांग्रेस पार्टी बहुत भारी भरकम तरीके से वहां सत्ता हासिल करने जा रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी बहुत डरी हुई है, ये तो ये चाह रही है कि नगर निकायों के चुनाव किसी तरह से टाल दिए जाए ताकि लोकसभा के आने वाले चुनाव पे इसका असर ना पड़े। अगर ये पहले चुनाव करा लेंगे तो ये मुंह खाएंगे, हर उत्तराखंड में, हर नगर निगम में, हर नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा। और यहाँ हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी के नेतृत्व में पूरी की पूरी टीम एक साथ एकजुट होकर एक प्लेटफार्म पर कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने का काम कर रही है। बात करें, या बता रहे हैं निकाय चुनावों की, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उनका ये कहना है हर बार, वो लगातार अपनी बाइट जो उन्होंने अभी भी जारी की है उसमें भी उनका ये कहना है कि समय पर हो रहे हैं। तो समय पर कराते क्यों नहीं है? अब एक महीने के बाद डिक्लेयर करते हैं, समय पर कराने हैं तो चुनाव के समय से तैयारी वो शुरू कर दे। लेकिन मैं कोई भी अधिकारी, चाहे वो डीएम लेवल का हो, एसडीएम लेवल का हो, सीडीओ हो, किसी भी लेवल का अधिकारी है, उस अधिकारी के पास कोई भी राज्य सरकार के द्वारा ऐसी बात ही नहीं है। जिस तरह से ये देखा जाए कि किसान नगर निगम के या निकायों के चुनाव होने जा रहे हैं, अगर उन्हें चुनाव समय पर कराने हैं तो अधिकारियों को आदेश दे। और भारतीय जनता पार्टी डर रही है, कांग्रेस पार्टी हर समय 24 घंटे अपने चुनाव लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी डरने का तो विषय नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी हमारे देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे पास सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता है और हमारा संगठन बूथ लेवल तक और पन्ना प्रमुख तक की हमारा संगठन है। तो भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है। और कांग्रेस का तो काम झूठ बोलना, कांग्रेस का काम लोगों को बहकाना, कांग्रेस राष्ट्र विरोधी ताकतों से जुड़ी रहती है और राष्ट्र के हित की कभी बात नहीं करते, वो केवल अपने हित की बात करते हैं। और निकाय चुनाव की बात है, निकाय चुनाव समय पे होंगे, हम भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है, हम हर समय चुनाव के लिए तैयार हैं। कोई सा भी चुनाव आता है, हम बढ़ चढ़ के उसमें भारतीय जनता पार्टी भाग लेती और जीतती है। देखिए, ऐसा एक कांग्रेस के लोग भ्रम फैलाने की स्थिति रखते हैं, क्यों? उनका अपना आज राजनीतिक वजूद सारा देश देख रहा है कि कांग्रेस आम जनता में जो उनका संदेश है, जो उनके नेताओं का संदेश है, वो बहुत अच्छा संदेश समाज में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज लगातार इस महीने में हमारा महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, हजारों लाखों कार्यकर्ता बूथों पर जाकर अपना अपना एक पार्टी की जो योजनाएं हैं नरेंद्र मोदी जी के करे हुए करणीय कार्य, जिनसे 75 साल बनाव 9 साल की हम 9 साल एक बेमिसाल जो उन्होंने इस देश के हित में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र में हो,
चाहे वो सौर ऊर्जा के क्षेत्रों में हो, एक बहुत बड़ा परिवर्तन देश में आया है। आज देश विश्व के पटल पर दिखाई देता है, अर्थव्यवस्था के स्तर पर 11वें नंबर से हमारा देश आज 5वें नंबर पर आ चुका है। आज विश्व भारत की ओर देख रहा है, चाहे तो देश रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी भारतीय जो हमारे छात्र थे वहां, उनके साथ आस पास के छात्र भी तिरंगा झंडा अपना आगे लगाकर, मेरा कहने का अर्थ यह है कि आज भारत अगर कहीं ऊंचाइयों पर विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है तो वो नरेंद्र भाई मोदी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अपनी नीतियों के कारण आगे बढ़ रहा है। लाखों लाख कार्यकर्ता हमारे इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को बूथों तक ले जा रहे हैं। तो मेरा इतना कहना कि कांग्रेस का कोई भी विषय ऐसा है, आप पूर्व में भी देख लीजिए, ये सिर्फ एक भ्रम की स्थिति फैलाने के अलावा इनके पास अब कुछ नहीं बचा है। बस ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि इलेक्शन आगे है या पीछे है, ऐसा कुछ नहीं है। समय पर जब भी इलेक्शन होना है, हमारे चुनाव आयोग इस काम में लगे हुए हैं, और जैसे ही चुनाव आयोग का सारा कार्यक्रम पूरा होगा, पिछले 10 साल से मैं भी निकाय के चुनावों से जुड़ा हूँ, तो मुझे इन सब बातों का पता है कि जैसे जैसे आपका चुनाव आयोग अपने कार्यों को आगे बढ़ाता है, उसको उसी के आदेशों पर या उसी के कहने पर ही इलेक्शन को करवाया जा सकता है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।